इंदौर नगर निगम को काफी प्रयास के बाद बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर नगर निगम को अपना ई पोर्टल बनाने की अनुमति दे दी है। टैक्स वसूली सहित संपत्ति कर की भरपाई के लिए नगर निगम काफी दिनों से सरकार से अलग ई पोर्टल की मांग कर रहा था। अलग पोर्टल होने से नागरिकों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने के साथ साथ नगर निगम की कई सुविधाओं का लाभ लेने में सहूलियत हो जाएगी। इंदौर नगर निगम लंबे समय से अपना अलग ई पोर्टल की मांग कर रहा था। नगर निगम ने नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट और पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को लेकर शासन को कई बार अवगत कराया गया है। हाल ही में इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने रखा था। इसके बाद से माना जा रहा था कि अलग ई पोर्टल बनाने के लिए शासन अनुमति दे देगा। वहीं आखिरकार अब सरकार से पोर्टल बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह निर्णय इंदौर नगर निगम की राजस्व वसूली के सुगम बनाने और नागरिकों को हो रही समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है। स्वच्छता में नंबर वन शहर, डिजिटलीकरण में भी नंबर वन बनने इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मुझे लगता है इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का और विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 6-7 महीने से जिस काम के लिए हम प्रयास कर रहे थे उसकी अनुमति उन्होंने दी है। स्वच्छता में नंबर वन शहर डिजिटली नंबर वन बने, लोगों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचे, उस पंक्ति में ये बहुत बड़ा काम है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि देश की अच्छी एजेंसियों से सुझाव लेकर, देश की अच्छी वेबसाइट पोर्टल्स का अध्ययन कर शीघ्र ही पब्लिक वेलफेयर का पोर्टल बनाने का काम करें।